बचपन में हम एक खेल खेला करते थे, छुपन छुपाई, दीवार के पीछे गरीबी को छुपाओ। फिर अहमदाबाद की एक झुग्गी ना दिखे इसके लिए दीवार क्यों बनाई जा रही है? सुरक्षा का सामान, डिफेंस का सामान, वो हम पर एक तरह से ये पेनल्टी लगा रहे हैं, हमारा नुकसान कर रहे हैं। ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करेंगे, लेकिन इमरान खान क्यों सूखे जा रहे हैं इस बात से? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत दौरे पर होंगे। बीते दिनों व्हाइट हाउस ने इसकी घोषणा की थी। ट्रंप दिल्ली के अलावा गुजरात के अहमदाबाद शहर भी जाएंगे। I am. I just spoke with Prime Minister Modi, and it's going to be for, I don't know who's going, but it's, he said we will have millions and millions of people. My only problem is, so last night we probably had 40 or 50,000 people, far more than anyone else, but when we have 50,000 people nowadays, yeah. Fellas, I'm not going to feel so good, because he thinks we'll have 5 to 7 million people just from the airport to the new stadium. And you know it's the largest stadium in the world. He's building it now. It's almost complete. And it's the largest in the world. And he's a friend of mine. He's a great gentleman. And I look forward to going to India. So we'll be going at the end of the month. भारत दौरे से पहले ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग का जिक्र किया। उन्होंने लिखा था कि मुझे लगता है ये बड़ा सम्मान है। मार्क जकरबर्ग ने हाल ही में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप फेसबुक पर नंबर वन है, दूसरे नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं। दरअसल मैं अगले 2 हफ्ते में भारत जा रहा हूँ। मोदी ने भी ट्वीट करके कहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी 24-25 फरवरी को भारत यात्रा पर आने को लेकर बहुत खुश हूँ। हमारे माननीय अतिथियों का यादगार स्वागत किया जाएगा। लेकिन ट्रंप के दौरे को लेकर हाल ही में एक विवाद भी सामने आया है। अहमदाबाद में ट्रंप को झुग्गी झोपड़ियां ना दिखें, इसके लिए झोपड़ियों के आगे दीवार खड़ी की जा रही है। ये दीवार इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि अपने 2 दिनों के भारत दौरे के दौरान ट्रंप अहमदाबाद भी जाएंगे। वहीं अहमदाबाद नगर निगम के मेयर बिजल पटेल का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा और उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एयरपोर्ट से जो इंदिरा ब्रिज है उसके बीच में जो सरणी आवास आता है, जो स्लम एरिया है, वहाँ पे 7 फुट की दीवार बनाई जा रही है। क्यों वो दीवार बनाई जा रही है, कारण क्या है? अभी वो मैंने देखा नहीं है, मैं देख के बाकी भी सब पूछ के बता सकती हूं। मैडम, एमसी की दीवार है और आपको नहीं पता, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी मैंने यहाँ की विजिट की है, वहाँ की विजिट करने के बाद बता सकते। मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले पूरे देशवासियों को गुजरात मॉडल के बारे में बताते थे कि वे कितने तेजी से तरक्की कर रहा है। अब जैसे गुजरात में 14 साल के काम का हिसाब देखिए, हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम से मेरे राज्य की पर कैपिटा इनकम अनेक गुना बढ़ी है। मेरे राज्य में, हिंदुस्तान में टोटल जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जॉब मिले हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में 57% जॉब अकेले गुजरात में मिले। भला किसका हुआ? गरीब नौजवान का हुआ। मेरे यहाँ पहले 2% एग्रीकल्चर ग्रोथ था, 10 साल में 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ। भला किसका हुआ? किसान का हुआ। मेरे यहाँ टूरिज्म नहीं था, नामो निशान नहीं था। आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का एवरेज टूरिज्म ग्रोथ है, उससे मेरा राज्य का टूरिज्म ग्रोथ डबल हुआ। कौन कमाया? चाय वाला कमाता है, ऑटो वाला कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है, हैंडीक्राफ्ट बेचने वाला कमाता है। तो ट्रिकल डाउन आपके यहाँ चल गया। एक मिनट, विकास हुआ, विकास सबका हो रहा है और सबका विकास होना चाहिए। इसी को लेकर के मेरी साथ नॉट ओनली दैट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आपको जानकर के आनंद होगा, झूठ बोलने को बोलने वालों को हैरानी होगी। पूरे हिंदुस्तान का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ग्रोथ है, 80% ग्रोथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का गुजरात ने दर्ज करवाया है। और इसलिए आरोप लगाने वालों के पास अब मोदी के खिलाफ कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। और दूसरा, ऐसी कैसी दिल्ली में सरकार मरी पड़ी हुई है कि जो मोदी के इतने पापों के बाद भी उस पर हाथ भी नहीं लगा पाती है। लेकिन अगर गुजरात इतनी ही तेजी से तरक्की कर रहा है तो झुकी झोपड़ियों को छुपाने की क्या जरूरत है? ट्रंप के दौरे से पहले दीवार बनाने की क्या जरूरत है? क्या मोदी जी देश को झूठ बोल रहे थे? कांग्रेस ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। बचपन में हम एक खेल खेला करते थे, छुपन छुपाई,
मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे कुछ लोगों का पसंदीदा खेल है वो छुपन छुपाई। किसानों की आत्महत्या के आंकड़े छुपाओ, बेरोजगारी के आंकड़े छुपाओ, नोटबंदी की सच्चाई छुपाओ, असली जीडीपी के आंकड़े छुपाओ, दीवार के पीछे गरीबी को छुपाओ, और अब आज समाचार पत्रों में साफ साफ लिखा आता है कि 40 साल की सबसे कम भारत की खपत को छुपाओ। छुपाने से सच्चाई मिट नहीं सकती। आप अगर सोचें कि मैं छुप जाऊं और ये चीज़ जो हो रही है ये नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये सोचें कि मैं आंखें बंद कर लूं और जो बेरोजगारी का आंकड़ा 45 साल का या 40 साल की सबसे कम खपत का आंकड़ा छुप जाएगा, छुप नहीं सकता। आप ये चाहो कि ये भार लोगों के बीच में नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लोग जब स्पेंड करते हैं उनको पता है, हर व्यक्ति को पता है कि उसकी जेब में पैसे कम बचे हैं। जब उसकी जेब में पैसे कम बचेंगे तो खपत तो कम होगी ना। दीवार इसलिए बनाई जा रही है ताकि शायद ट्रंप को भारत की गरीबी के बारे में पता ना चले। लेकिन अगर बात करें देश के हालात की, तो हाल ही में इंडिया डेमोक्रेटिक रेटिंग में 10 पायदान नीचे गिरा है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की 2020 के जीडीपी की वृद्धि दर के अनुमान को 6.6% से गिराकर 5.4% कर दिया है। अगर बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो हमारा रैंक 117 में से 102 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारत में भुखमरी की स्थिति चिंताजनक है, तो वहीं अगर बात करें पाकिस्तान में भुखमरी की, तो पाकिस्तान का रैंक भी भारत से बेहतर है। पाकिस्तान का रैंक 94 है। अब इन आंकड़ों को मोदी जी किस दीवार के पीछे छिपाएंगे? सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने भी ट्रंप के इस दौरे को लेकर अपने शो प्राइम टाइम में बात की। तो सबको पता है कि भारत के शहरों के बीच में या पीछे बसी झुग्गियों में क्या हालत है। फिर अहमदाबाद की एक झुग्गी ना दिखे इसके लिए दीवार क्यों बनाई जा रही है? नई बन रही आधी किलोमीटर लंबी यह दीवार अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर की ओर बनाई जा रही है। इस दीवार के पीछे सराय निवास नाम की एक झुग्गी बस्ती है। यहाँ के लोग अचानक से दीवार बनते देख हैरान भी हैं और चिंतित भी। उनके आने जाने का रास्ता एक तरफ से बंद ना हो जाए। यह दीवार इसलिए भी बनाई जा रही है कि जब अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए तो उन्हें यह झुग्गी ना दिखे। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। भारत कुछ स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर अमेरिका द्वारा लगाई गई हाई ड्यूटी से छूट की मांग कर रहा है। इसके अलावा ये भी मांग की जा रही है कि भारत के कुछ सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स के लिए फॉरेन मार्केट खोली जाए। दूसरी ओर अमेरिका अपने फार्म मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, डेयरी वस्तुएं और चिकित्सा उपकरणों के लिए अधिक से अधिक बाजार पहुंच जाता है। इसकी ज्यादा जानकारी वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने अपने शो में दी। ट्रंप हमारे लिए क्या क्या तोहफे ला रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। ट्रंप ने एक तरह से हम पर $260 मिलियन की पेनल्टी लगा दी। अमेरिका ने हमारा नाम, हमारे देश का नाम उस लिस्ट में से, उस सूची में से हटा दिया जो विकासशील देशों की सूची थी। सुरक्षा का सामान, डिफेंस का सामान, वो हम पर एक तरह से ये पेनल्टी लगा रहे हैं, हमारा नुकसान कर रहे हैं। ये ट्रंप का हमको गिफ्ट है। अब अगर बात करें मेनस्ट्रीम मीडिया की, तो लगातार वो या तो ट्रंप के भारत दौरे को लेकर पाकिस्तान पर तंज कस रहा है या फिर ट्रंप की तारीफों के पुल बांध रहा है। ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करेंगे, लेकिन इमरान खान क्यों सूखे जा रहे हैं इस बात से? वैसे इस सवाल का जवाब ये कहकर भी टाला जा सकता है कि पाकिस्तान का क्या है, उसकी तो फितरत में ही ईर्ष्या है। जिस दिन भारत में मौसम बहुत अच्छा हो, उस दिन पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगता। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती पाकिस्तान को पहले से ही खटकती रही है, और अब तो ट्रंप खुद भारत आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कहा है मेरा सबसे अच्छा दोस्त। पीएम मोदी से मिलने को बेताब है ट्रंप। पीएम मोदी भी ट्रंप के भारत दौरे को लेकर खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप के सम्मान में अहमदाबाद में मेगा इवेंट तैयार किया है। कुछ दिनों बाद अहमदाबाद और भारत बोलेंगे नमस्ते ट्रंप, कुछ उसी अंदाज में जैसा कि अमेरिका के ह्यूस्टन में हुआ था हाउडी मोदी। तैयारियां जोरों पर हैं क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति भारत आ रहा है। भारत भी ट्रंप के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा।
24 और 25 फरवरी को दुनिया एक बार फिर देखेगी भारत और अमेरिका की ये दोस्ती। अब देखना ये होगा कि ट्रंप का ये दौरा भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।